हैं, लेकिन देश के लिए जान देने वाले रणबांकुरों के परिवार के लोग लगातार मृतक आश्रित कोटे से नौकरी पाने की गुहार भी लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस विभाग में भर्ती नियमों को संशोधन की वजह बताकर उम्मीदवारों के हक से खिलवाड़ हो रहा है। अब लगातार उम्मीदवार अधिकारियों के यहां चक्कर काट रहे हैं। तो मृतक आश्रितों को देखिए न्याय चाहिए और इसकी वजह से वो लगातार जो है वो चक्कर काट रहे हैं अधिकारियों के, लेकिन नियम बदलने की वजह से लगातार इनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस विभाग में जो हमारे जवान वो शहीद हुए उसके बाद जो परिवार के लोग हैं वो अब आश्रय के चलते यहाँ पर दलदल भटक रहे हैं। सर, हम लोग मृतक आश्रित अभ्यर्थी हैं। हम लोग के यहाँ 1 जून 2018 से लेके 15 जुलाई 2019 तक की फाइलें रियाचन में ली गई, जिनको 456 वैकेंसियां दी गई हैं UPSI में। इसके पहले जो मृतक आश्रित अभ्यर्थी होती थी पूरा ओल्ड नियमावली चलती थी, उसके बाद इन्होंने नियमावली लागू की है। इसमें 442 पद दिए थे इन्होंने 639 बच्चों पर, और इस बार इन्होंने 456 बच्चों पर मात्र 29 पद दिए हैं। प्रयागराज संगम में उस वक्त अफरा तफरी मची जब अचानक पहुंची पुलिस की टीम लोगों को